हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस कीमती समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में बख्शा है कि हम उसकी प्रस्तुति कर पाएँ, उसकी स्तुति आराधना कर पाएँ और उसकी मेज पर शामिल हो पाएँ। हालेलुया, प्रभु ने पिछले दिनों हम गए सेवा के लिए और बॉम्बे में, मुंबई, थाना और मीरज में, तो प्रभु ने वहाँ पर इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए और वहाँ के छोटे झुंड से हम मिले, संगति किया, काफ़ी सेवकों से भी हम मिले और प्रभु ने वहाँ पर अपना काम किया और प्रभु ने ब्लेस किया हमें भी और वहाँ के लोगों को भी, प्रभु ने आशीषित किया इस संगति के द्वारा। और भाई स्टीवन को हमने वहाँ पर सेवा करने के लिए उत्साहित किया और आने वाले दिनों में प्रभु की मर्ज़ी के अनुसार वो वहाँ पर सेवा करेंगे और जैसे जैसे फिर प्रभु अनुमति देगा वैसे वैसे हम विज़िट करते रहेंगे आगे। वहाँ पर एक नए परिवार को बैप्टिज़म दिया जिन्होंने एक्चुअली हमें बुलाया था, उनको बैप्टिज़म दिया। आप सब ने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, मैंने डाला था वहाँ से यूट्यूब पर और सब बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से जब हम गए थे तो सामने वाला व्यक्ति जो है भाई विपिन जो है उन्होंने हमें रिसीव किया, हम उनके घर पर जहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया था हमारे रुकने के लिए, रहने के लिए, तो वहाँ पर उनके पास रुक कर हमने सेवा किया, बाइबल क्लास किया, सुबह दोपहर को और शाम को सेशन लिए, संगति में बैठे। और जब हम फिर मीरज में से सेवा करके वापस आए तो जिनको बपतिस्मा दिया वो ब्रदर विपिन और उनके वाइफ, वो थाना से फिर हमको मिलने के लिए आए दोबारा के आप चले जाएंगे तो एक बार जाने से पहले कहते मिलना है, तो मिलने के लिए फिर से उल्लासनगर वो आए, हमें मिल कर गए वो। हालेलुया, उनको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। नहीं तो फिर आम लोग क्या कहते हैं कि चलो अब हो गया जो होना है, संगति हो गया, बपतिस्मा हो गया, है ना, हमारे इधर से होकर चले गए, अब क्यों जाना, अब क्यों मिलना। पर वो चल के आए, दूर है कुछ थाना से उल्लासनगर, तो वहाँ से वो भाई और उनके पत्नी दोनों मिलने के लिए हमें आए, तो ये उनका उत्साह देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। ये बड़ी बात है, है नी, समझोगे तो बड़ी बात है। और ये बातें यदि मैं आपको बताता हूँ तो आप भी समझ लीजिए कि मैं छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता हूँ, छोटी छोटी बातों को भी मैं ध्यान में रखता हूँ। आपका बिहेवियर क्या है, आपका रवैया क्या है, आप प्रभु के दास के साथ कैसे चलते हैं, आप प्रभु के साथ कैसे चलते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी बातों को भी ऑब्जर्व करता हूँ। तो उनका उत्साह देखकर मैं भी बहुत उत्साहित हुआ, जिस तरीके से उन्होंने मुझे रिसीव किया, ग्रहण किया प्रभु का दास होने के नाते, और प्रभु ने मुझे भी आत्मा में मजबूती दी कि मैं उसके कलाम को बखान कर पाऊँ। और बहुत किस्से हैं, बहुत चीज़ें हुई वहाँ पर, सब मैं आपको नहीं बता सकता, बस इतना कहूँगा कि प्रभु ने काम किया उधर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले सप्ताह हमने चर्चा किया था प्रभु के वचन में से, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को देंगे या अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें प्रभु की इच्छा मालूम होना चाहिए। और मैं सलाहें भी कुछ देना चाहता हूँ आप सबको, अब मैं दूर गया तो आपसे हुआ नहीं है सेटिंग, है ना, इसीलिए बुलाता हूँ, आओ, आप नहीं सुनते हो, आप टाइम नहीं निकालते हो, समय नहीं निकालते हैं, आओगे बैठोगे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा तो फिर क्या भी होगा, फिर आप खुद भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनिए, इसलिए बोलता हूँ समय निकाला करें, टाइम निकाला करें। मैं अगर कहीं दूर चला गया तो फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, तार ही सेट करते बैठ जाएंगे फिर, समझ रहे हैं कि नहीं। संगति कितने बजे शुरू किया था, 10 बजे नहीं हुआ था, बताइए कितने बजे शुरू किया था, नहीं 10:18 पे शुरू किया, हाँ 10:18 पे शुरू किया था संगति। वहाँ के लोगों को देखकर आया तो मेरा मन करता है कि उधर ही रुक जाऊँ मैं, ये समझ लीजिए। देखो परमेश्वर एक जगह पर नहीं रखता है किसी भी व्यक्ति को। आपसे यहाँ पर आने से पहले मैं मल्लावाल में था, उधर छोड़ के इधर आया हूँ, अभी पता नहीं प्रभु की अगर मर्जी होगी इधर छोड़ के कहीं आगे भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊँगा। सिर्फ मीरज की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी
प्रभु लेकर गया तो मैं चला जाऊंगा, आप फिर क्या करेंगे, आपको इधर मिलेगा, फिर आप चले जाना खांबड़े में, रब मिलता है, गाना बनाया उन्होंने नया, तो अभी समय है आपके पास, सीख लीजिए, समझ जाए, फिर नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपके लिए दिक्कत होगा बाद में। उत्साह की बात जो है, उत्साह वो मुझे दिखता नहीं यहाँ पर अपने भाइयों में, संगति यहाँ पर नहीं है, रविवार की संगति को छोड़कर और कोई संगति यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं आप भी जानिए। मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ कि आप मुझे बुलाया करो घर पे, ना मैं बोलता हूँ, आपको आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी करना चाहो। एक तो बात मैं जानता हूँ, परमेश्वर के वचन से सीखी, परमेश्वर ने अगर कुछ चीज़ हमें दी है ना, यदि हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं उसके लिए, ये देखो ये भाई माछीवाड़ा से कितने बजे चले सुबह घर से, 7:15, 6:45 को घर से निकले हैं इधर संगति पर आने के लिए, इनके चर्च में प्रभु भोज नहीं होता है, हम इधर लोकल होके 10:30-11 आ रहे हैं, फिर मैं क्या बोलूँ फिर, और एक दिन की बात नहीं है, रेगुलर बात। और सुबह की प्रार्थना के लिए भी मैं आपको कहना चाहता हूँ जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, है ना, प्रार्थना ऑन करके आप सो गए, ऑन करके लॉग इन करके आप सो गए, अभी तो मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 लोग थे, पर आप, मैं बैठता हूँ फिर देखता हूँ कितनी देर तक बैठ रहे हैं, सब जय मसीह की बोल दिए, मीटिंग लेफ्ट कर दिए, 7:15 उसमें लॉग इन रहते हैं, 5 मिनट बाद मैं नया स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ उसका, टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया तो नया स्क्रीनशॉट ऐसा ले रहा हूँ। अभी ध्यान दीजिए, आप अगर सो रहे हैं, मुझे क्या पता, जहर तो हो जाएगा, परमेश्वर जहर कर देता, या मीटिंग ऑन करके कहीं और बैठे कुछ और काम करे जा रहे हैं, तो सब परमेश्वर सब जानता है, जहर कर देगा। आगे को कोई भी लॉग इन रहा तो फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डालूंगा, देखो सो रहे हैं ये, अब थोड़ा डरिएगा और डर के बैठिएगा प्रभु की हुजूरी में। गुस्सा आ रहा है तो पी जाइए उसको, आपकी भलाई के लिए है। इब्रानियों 12 में पढ़िएगा, 3 से पढ़िएगा, हेडिंग पढ़िए, हेडिंग क्या लिखा है, परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना। हाँ, परमेश्वर पिता द्वारा ताड़ना, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो आउट ऑफ डिसिप्लिन है, अरे चलो ठीक है चलने दो जैसा चलता है, ये ऐसा ईश्वर नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये परमेश्वर डिसिप्लिन में चलता है, कायदे कानून में चलता है। हाँ पढ़िए, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, पाप से अभी तक हमने ऐसी मुठभेड़ नहीं की है, फाइट नहीं किया है कि हमारा लहू बहा हो। कितने हैं जो विश्वास में बने रहने के लिए, पाप से दूरी बनाए रहने के लिए लहू भी बहाते हैं, मार भी खाते हैं, हमने अभी तक किया ही क्या है, सिंपल लाइफ में भी हम डिसिप्लिन में चल नहीं पाते हैं। आगे, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हाँ, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। देखिए, परमेश्वर अगर ताड़ना दे रहा है तो उसका साफ मतलब ये है कि उसको कंसर्न है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे लिए सोचता है। कितने हैं जिनकी ताड़ना यहोवा करता ही नहीं है, कितने हैं जिनको यहोवा कुछ बोलता नहीं है, और उनको उन्हीं के लाइफ में वैसा ही पेम्पर होने दे रहा है, उनको लग रहा है यहोवा हमारे साथ है, उनकी ताड़ना नहीं होती, उनको यहोवा बड़ा मीठा और मधुर लगता है। आप समझ रहे हैं, ताड़ना परमेश्वर उन्हीं की करता है जिनके लिए परमेश्वर को कंसर्न है। पढ़िए आगे, और जब वह तुझे घुटके तो हाँ, साहस ना छोड़। हाँ, उसकी ताड़ना को, माई सन डू नॉट डिस्पाइज द, है ना, उसको तुच्छ नहीं जानना है उसकी ताड़ना को। आगे, क्योंकि 5:5 दोबारा पढ़िए, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हाँ, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात
ना जाना आगे, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ आगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसी की ताड़ना करता है जिससे वो प्रेम करता है आगे, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, जिसको पुत्र बना लेता है फिर क्या भी करता है। अब हमने तो पिता ऐसा ही देखा जो जप्पी डालकर बस बैठा रहे, है ना, मेरा बेटा मेरा बेटा। एक कहानी हम पढ़ते हैं ना बेटे और बाप की, बेटा लौट कर वापस आता है तो बाप उसे भाग कर गले से लगा लेता, ठीक है लगा लेता है, सच है बाप प्यार करता है। कलाम कहता है जैसे बाप अपने पुत्रों पर कृपा करता है, भजन संहिता में लिखा है, पढ़िएगा 103 में है, भजन संहिता 103 में 13 आयत पढ़िएगा। जैसे पिता, हाँ जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों पर दया करता है, अपने डरवयों पर दया करता है। जैसे बाप बच्चों के ऊपर क्या करता है, दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवयों के ऊपर दया करता है, दया करता है, कृपा करता है, प्यार करता है, सीने से लगाता है, कंधे पर भी बिठा लेता है। कहता तुमको मैं मिस्र की गुलामी से ऐसे उड़ा के ले आया मानो उकाब अपने पंखों पर, जैसे बच्चों को उड़ा लेता है, अपने बच्चों को उड़ाता है, वैसे मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। तो परमेश्वर प्यार करता है, सीने से लगाता है, दया करता है जैसे पिता करता है, पर साथ ही साथ बाप क्या भी करता है, ताड़ना भी करता है, डांटता भी है, डांटता भी है, कोड़े भी मारता है। आगे पढ़िए उधर इब्रानियों में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ, परमेश्वर की ताड़ना देने का तरीका क्या है, वो जीवन में क्या भेजता है, दुख। दुख को क्या बनाकर भेजता है, ताड़ना। जिस दुख की वजह से हम पिता के सामने कुड़कुड़ 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 करने लग जाते हैं, वो यहोवा की ओर से भेजी हुई क्या होती है, ताड़ना होती है। हालेलुया। अब तूफान, दुख, हमारे जीवन में कष्ट, तीन प्रकार के तूफान हैं, मैंने पहले भी बताया, फिर से सुनिए। पहला तूफान वो है जो परमेश्वर हमारे जीवन में शिक्षा के तौर पर, ट्रेनिंग के लिए देता है, ताकि हम सीखें। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ पानी में, तो वो जाते हैं, आधी रात के लगभग यीशु मसीह उधर पानी पर चलता हुआ आ रहा है, और वो सब डर गए, कहते भूत है। यीशु मसीह कहता है डरो नहीं, मैं हूँ। जब उसने कहा मैं हूँ, तो पतरस उनमें से बोलता है प्रभु यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। वो पानी पर चलता है, यीशु मसीह ने कहा आ, तो वो जो आ शब्द है, आ यीशु के मुख से निकला है, दैट वर्ड मेड पीटर टू वॉक ऑन द वॉटर। यीशु ने कहा आ, उस वचन के द्वारा पतरस जो है पानी पर चलना शुरू किया। अचानक से आंधी तूफान आ जाता है, लहरें उठती हैं, उन लहरों को देखकर जो है पतरस जो है वो डगमगाता है, पानी में वो डूबना शुरू करता है, फिर वो कहता है प्रभु मैं डूब रहा हूँ मुझे बचा। तब यीशु हाथ को आगे बढ़ाता है और उसको पानी में से बाहर निकालता है और उससे कहता है कम विश्वास वाले, ऐसा ही कुछ लिखा है, पढ़िए, कम विश्वास वाले, या तुमने कम विश्वास दिखाया। मत्ती 14 का 22 से पढ़िए, हालेलुया, मत्ती 14 उसका 22। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, हाँ, कि वे उससे पहले पार चले जाएं। हाँ, उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। तब लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, हाँ, क्योंकि हवा सामने की थी, हाँ, और यीशु रात के चौथे पहर, हाँ, झील पर चलते हुए उनके पास आया। देखिए यीशु मसीह कैसे सिखाता है। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, हाँ, और कहने लगे यह भूत है। हाँ, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे, डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और, हाँ, कहा ढांडस बांधो, ढांडस बांधो, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, डरो मत, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा आ, उसने कहा
आ जा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ, पानी पर चलने लगा और हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर फिर क्या हुआ, डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी। हाँ, अल्पविश्वासी शब्द है। क्या मतलब ये सब इतना कुछ हुआ क्यों? ताकि उनको बताने के लिए कि तुम विश्वास में कमजोर हो, बट अगर विश्वास करोगे देन यू कैन वॉक ऑन द वॉटर, आप पानी पर भी चल सकते हैं। हालेलुया। तो ये तूफान, ये दुख इसलिए आया, ये लहरें इसलिए आई ताकि उनकी ट्रेनिंग हो, ताकि वे सीखें, ताकि वे जानें किस स्तर पर वो उनका विश्वास है। फिर उसके बाद एक और तूफान आया, मरकस 5 अध्याय में देखिए, हाँ 4 का, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35। उसी दिन, हाँ, जब सांझ हुई, तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चले। पहली बार क्या हुआ, उसने, वो खुद नहीं बैठा उनके साथ। जो पहली हमने घटना पढ़ी उसमें यीशु मसीह आप नहीं उनके साथ बैठा, उसने क्या किया, इनको अकेले भेजा। फिर और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। हाँ, और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव, छोटी मोटी नहीं, कैसी बड़ी आंधी आई। इंग्लिश में लिखा है एंड अ ग्रेट विंड स्टॉर्म। अभी आया ना पंजाब में विंड स्टॉर्म, देखी है खबरें। हाँ, वो सब उखाड़ के ले गया, वो दीवारें ढह गई, बाग के बाग उखाड़ कर ले गया वो विंड स्टॉर्म, और झोंपड़ के झोंपड़े उखाड़ के ले जाते हैं, समझ में आया। तो वो इधर विंड स्टॉर्म आया, ग्रेट विंड स्टॉर्म। आगे तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर, हाँ, यहाँ तक लगी थी वह पानी से भरी जाती थी। लहरें नाव को यहाँ तक मार मारती थी कि वे क्या हो रही थी, पानी से भरी जाती थी। नाव पानी से क्या हो रही, भर रही है। फिर पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह आप पीछे गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने, हाँ, उसे जगाकर उससे कहा, हाँ, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हाँ जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, हाँ, शांत रह, हाँ, थम जा। और आंधी थम गई। हाँ, और देन ही अरोज एंड रिब्यूक्ड द विंड। आंधी को क्या किया, डांट रहा है। समझिए, ये दोनों घटनाओं में फर्क देखिए, एक जगह आंधी को डांट रहा है, दूसरी जगह पर अपने चेलों को कह रहा तुम में विश्वास में कमी है। एक दुख वो होता है जो यहोवा लेकर आता है, एक दुख वो होता है जिसको यहोवा डांटता है। उस विंड के पीछे, उस तूफान के पीछे जो इबलीस का सामर्थ काम करता था, उससे आप समझ लीजिए यीशु मसीह को डांटने की आवश्यकता पड़ी। क्या यीशु मसीह को डांटना पड़ता है, बताइए आप। सृष्टि जो है वो प्रभु के क्या है, अधीन है। सृष्टि को डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है यहोवा को, यीशु मसीह को, प्रभु को। डांट रहा है तो उस तूफान के पीछे एक सामर्थ है, समझ में आया। इंग्लिश में लिखा है रिब्यूक्ड, ओरिजिनल भाषा में जो लिखा है वो इस तरीके से लिखा है जैसे एक मालिक अपने कुत्ते को डांटता है। पास्टर विनोद ऐसा सिखाते थे कि एक मालिक अपने कुत्ते को जैसे डांटता ना, यीशु मसीह ने उस तूफान को ऐसे डांटा, चुप, और क्या हो गया, बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। वो जो कलाम में लिखा ना, यहोवा तुझे घुड़के, जब यहोवा घुड़कता है तो फिर चैन हो जाता है। हालेलुया। यहोवा जब डांट लगाता है तो फिर क्या हो जाता है, बड़ा चैन, चैन नहीं बड़ा चैन। पढ़िए, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देखिए, तूफान भी बड़ा था और चैन भी बड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा चैन हो गया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ते जाएं पूरा। और उनसे कहा, हाँ, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इनको अभी तक पता ही नहीं था वो कौन है। तो यीशु मसीह अपना अधिकार बताता है, इधर अपनी अथॉरिटी बताता है।
ये जब पार करके आगे चलते हैं तो गिरसेनिया के नगर में पहुंचते हैं, जिधर आगे चलकर इनको एक लश्कर दिखता है। उधर एक व्यक्ति है जिसमें एक सेना है दुष्ट आत्माओं की, समझ रहे हैं? और वो शक्तियां जो थी वो इनको नाव में रोकने का यत्न में थी, उनके पीछे जो दुष्ट आत्मा जो काम करता था, इब्लीस इसके बीच में है विंड स्टॉर्म में। तो परमेश्वर जो है दुख जो भेजता है, दो तरीके के दुख हमने पढ़े हैं, एक ट्रेनिंग के लिए है, शिक्षा के लिए, दूसरा शैतान हमें भेजता है ताकि हम नष्ट हो जाएं। चोर कैसे आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, समझ में आया? पहले जो हमने पढ़ा 14 मत्ती में, वहां पर तूफान ऐसा नहीं है कि क्या हो, लहरें टकरा रही हैं और पानी से नाव भर रही और ये डूब रहे हैं, इनको अपने मरने की चिंता हो गई कि हम मरे जा रहे हैं, हम नष्ट हुए जा रहे हैं, प्रभु बचाओ करके, ऐसा तूफान नहीं था उधर। इधर ऐसा था, एक तूफान जो यहोवा परमेश्वर हमें सिखाने के लिए भेजता है, एक तूफान वो जो इबलीस या शैतान की ओर से हमें दबाने के लिए होता है, और एक तूफान है जब हम उल्टी दिशा में चलते हैं। कलाम कहता है परमेश्वर ने अपने नबी योना को कहा कि नीनवे जा, वहां के लोगों का अधर्म मुझ तक पहुंचा है, मैं उनको नष्ट करूंगा, मैं उनको खत्म कर दूंगा। तो वह उल्टी दिशा तर्शिश की ओर जा रहा है, जाना इधर है, जाना जा रहा है इधर। तो रास्ते में पानी में क्या आया? तूफान आया। उधर भी पानी में तूफान आया और फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने वही चिट्ठियां डाली। ये चिट्ठियां भेद खोल देती, फिर चिट्ठियां डाली और चिट्ठी में से निकला योना का नाम कि इसकी वजह से ये तूफान आया है। उन्होंने उठाकर उसको क्या किया? पानी में फेंका। पानी में से एक बड़ा मछली आया और उसको निगल गया और उसने जाकर वहीं पर उगल दिया जहां पर परमेश्वर उसको भेजना चाहता था। परमेश्वर आपको प्लान से, अगर आप प्लान से हट गए हैं तो प्लान में लाने के लिए भी आपके वो जीवन में क्या भेजता है? तूफान भेजता। अब जब तूफान आते हैं तो तीन तरह के तूफान हमने देखे हैं। अब जब तूफान आते हैं, परख हमने करनी है कि ये कौन सा तूफान है। यदि शैतान भेज रहा है आपको दबाने के लिए, तो यीशु मसीह जो है उसको घुड़कता है, उसको डांटता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, निडर होकर खड़े हों। वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अब सामना करें कैसे? वो तो राजा है हमारा, है ना, उसके राज्य में चलते हैं, उसकी गुलामी में चलते हैं, उसको डांटेंगे कैसे? अथॉरिटी मिला होगा, उससे छूटे होंगे तो उसको डांट सकते हैं। उसको डांटेंगे, रिसिस्ट करेंगे तो वो आपके सामने से भाग गया, ठीक इधर जैसे बड़ा चैन हो गया, भाग गया वो, समझ रहे हैं? हालेलुया। फिर उसके बाद यदि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिए हैं तो उसको रिसिस्ट कर सकते हैं। उधर यही लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। फिर यदि हम उल्टी दिशा में चलते हैं, जो परमेश्वर का कलाम सिखाता है वैसे नहीं चलते परंतु प्रभु की मर्जी के उलट चलते, तो प्रभु ने यदि आपको चुना है तो आपको अपनी मर्जी के अनुसार लाने के लिए आपके जीवन में तूफान भेजता है, कष्ट भेजता है, रोग भी भेजता है, बीमारी भी आती है। कल मैं भाई से बात कर रहा था, भाई स्टीवन से हम चर्चा कर रहे थे कि क्या अभी हम मसीह लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है कि परमेश्वर नहीं, शैतान ही रोग भेजता है, बीमारी कौन भेजता है? नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर कलीसियाओं में यही विचारधारा है कि रोग बीमारी सब चीजें जो है, दुख क्लेश संकट जो है, ये सब शैतान की ओर से होता है। वो लोग शैतान को ही डांटते रहते हैं, कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई तो शैतान को ही डांटते रहेंगे। परंतु अभी हमने पढ़ा तीन तरीके से तूफान आते हैं हमारे जीवन, कई जगह पर शैतान भेजता है, कई जगह पर परमेश्वर आप ही उसके हवाले हमें कर देता है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि तीन पुस्तकें हैं बुद्धि की समझ की, जिनको पढ़ने से हमें बुद्धि प्राप्ति होती है, जिसके अनुसार मनन करने से, चलने से, ध्यान करने से हमें बुद्धि मिलती है, प्रभु बुद्धि देता है। पहली है नीति वचन। नीति वचन में लिखा है कि धर्मी को धर्म का फल और पापी को दुष्टता का सजा मिलता है। नीति वचन पूरा पढ़ेंगे उसका ओवरऑल जो व्यू है आपको ये दिखेगा कि पापी को पाप का सजा मिलता है और धर्मी को धर्म का प्रतिफल मिलता है। मानो जो मनुष्य करेगा वैसा ही उसका प्रतिफल होगा। अगर बुराई करेगा तो उसके जीवन में भी बुराई होगा, उसके साथ भला नहीं हो सकता है। नीति वचन की पुस्तक ये बताती है। जब आप सबोपदेशक पढ़ते हैं तो सबोपदेशक में क्या लिखा है कि पापी की दशा जो है वो धर्मियों जैसी है और धर्मियों की दशा जो है वो पापियों जैसी है। दुष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं, दुष्ट लोग तरक्की करते जा रहे हैं, दुष्ट लोग जो है जो भी काम करते उसमें सफल होते हैं, परंतु जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र मार्ग पर चलते, जो
धर्म से चलते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। सब उपदेशक का लेखक सुलेमान ये लिखता है कि मैंने एक और चीज जो है सूर्य के नीचे देखी कि धर्मियों का दशा जो है पापियों जैसा और पापियों का दशा जो है वो धर्मियों जैसा। मतलब जो प्रतिफल धर्म के मार्ग पर धर्मियों को मिलना चाहिए, पापी लोग वैसा तरक्की कर रहे हैं, उनका ऑनर होता है, उनका इज्जत होता है, उनको ब्लेसिंग मिलता है या उन्नति प्रॉस्पेरिटी वो करते हैं। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो अय्यूब की पुस्तक हमें थोड़ा और क्लैरिटी देता है। अय्यूब की पुस्तक हमें ये बताती है तुम चाहे धर्मी हो और तुम चाहे पापी हो, यहोवा जो चाहे वो कर सकता है। समझ रहे हैं, अय्यूब का पुस्तक में हमें सीखने को मिलता है यहोवा धर्मियों को भी क्या कर देता है, दुविधा में डाल देता है, परेशानियों में डाल देता है, वहां से हमें क्लैरिटी मिलती है। तो जो लोग ये सोचकर बैठे सब चीजें शैतान की ओर से, शैतान की ओर से, शैतान की ओर से, शैतान की ओर से नहीं होता सब कुछ। शैतान एक भाषा में कहें तो यहोवा का मानो पालतू कुत्ते के जैसा है। फिर यहोवा हमें सावधान क्यों करता उससे, अगर वो यहोवा का ही पालतू है। यानी आपने कभी देखा होगा किसी के घर में अगर कुत्ता हो तो बाहर उन्होंने बोर्ड लगाया होता बिवेयर ऑफ डॉग्स, और जिसका पालतू है वही आपको उससे सावधान रहने की चेतावनी देता है। समझ में आया, शैतान यहोवा का बनाया हुआ है, यहोवा का रचा हुआ है। यशायाह की पुस्तक में पढ़िएगा 54 उसका 16 आयत यशायाह। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंद कर इसके लिए हथियार बनाता है। हाँ, वह मेरा ही सृजा हुआ है। हाँ, वह मेरा ही सृजा हुआ है। दोबारा पढ़िए 16। सुन, एक लोहार हाँ कोयले की आग धोंद कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है। हाँ, वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। बताइए, वो जो यीशु मसीह कहता ना, चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है, ये नाश करने वाला यहोवा कहता मेरा ही सृजा हुआ। यहोवा ने सृजा इसको बनाया है। क्यों बनाया है? उसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? वो गेहूं को उछालता है ऐसे होता ना, हमारे गेहूं को भूसे से अलग करने वाला जो क्या बोलते हैं उसको, छज्ज, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता है, छज्जी बोलते होंगे शायद। तो उस पर जो है गेहूं को उछाला जाता है, इधर से हवा चलती है और जो गेहूं है वो फिर से वापस आकर उसी छज के अंदर, उसी ट्रे के अंदर गिरते हैं, और जो भूसा होता है वो हवा से उड़ाया जाता है। जो भजन संहिता 1 में लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे वायु से उड़ाए जाने वाले भूसे के समान होते हैं। वो वायु से उड़ाई जाते हैं भूसे, दुष्ट लोग, परंतु जिनके अंदर वचन का वजन है, जो बीज हैं यहोवा का कलाम उनके अंदर है, वो वापस उस ट्रे में गिरते हैं अपने अंदर वजन होने के कारण। और वो जानते हैं वो छज किसके हाथ में है, हैं? किसके हाथ में हो? यहोवा के हाथ में नहीं है, यहोवा ने शैतान के हाथ में दिया है। क्या कहता है कलाम? लिखा है यीशु मसीह कहते हे शिमोन देख शैतान ने तुम लोगों को परमेश्वर से मांग लिया है ताकि क्या करे, गेहूं के समान, हाँ गेहूं के समान पटके। वो शैतान के हाथ में दिया है। तो पर्पस क्या है शैतान को बनाने का? वो पटकता है, वो पछाड़ता है हमको। यानी जैसे इधर सड़कों पर गेहूं रख दिया जाता है तो ऊपर से गाड़ी चलती है तो फिर गेहूं के दाने जो उछल के फिर बाहर आ जाते हैं। और कई जगहों पर क्या करते, किसी सरफेस के ऊपर गेहूं को पछाड़ा जाता है, इसे मारा जाता है, फिर उसमें से बीज निकल कर बाहर निकलते हैं, है ना। ये प्रोसेस है गेहूं को भूसे के साथ अलग करने का। यहोवा ने जो नष्ट करने वाला बनाया है उसका पर्पस भी यही है। आपने कलाम में पढ़ा होगा यहोवा आप किसी की परीक्षा नहीं करता, पढ़ा है याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 12-13 आयत में पढ़ते हैं कि परमेश्वर बुरी बातों में किसी की परख नहीं करता और ना ही वह आप किसी की परख करता है। उसने परख करने के लिए एक रखा है जो अलग करता है भूसे और गेहूं को। समझ में आया? अब हम ये सोचें कि परमेश्वर तो सिर्फ अच्छा करता है, गुड गुड करता है, परमेश्वर भलाई ही करता है हमारे जीवन में, गुड ब्लेसिंग ही देता है परमेश्वर, शाप तो शैतान देता है। नहीं, शाप भी कौन देता है बताइए? यहोवा ही देता है। उत्पत्ति से शुरू कीजिए पढ़ना, शाप दे रहा है, ब्लेसिंग भी दिया था जो हमने संभाला नहीं, फिर क्या दिया,
ही शाप दिया है, लानत दिया है, कैन को लानत दिया, पृथ्वी को लानत दिया, पृथ्वी की ओर से तू शापित उसको, कैन को बोला। पहले जब आदम ने फल तोड़ा और खाया तो परमेश्वर ने कहा भूमि तेरे कारण शापित है, ये अब से जो है उंटकारे उंट कटारे और कांटे उगाएंगे। और कैन ने हाबिल को मारा, परमेश्वर कहता पृथ्वी की ओर से तू शापित है। जब जब परमेश्वर ने कर्ज किया ना, अर्थ का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, फ्रूटफुल होना, वो कम होता गया। फिर उसके बाद अकाल देखे हैं लोगों ने, परमेश्वर की ओर से जो भेजे गए हैं। तो हमें ये समझना होगा कि सब चीजें किसके हाथ में है, यहोवा की हाथ में है। शैतान भी अगर कार्य करता है वो यहोवा की इच्छा यहोवा की मर्जी के अनुसार ही कार्य करता है। सी उसको मांगना पड़ता है। मांगने के दो उदाहरण है, उसने चेलों 12 चेलों को मांगा और परमेश्वर ने 12 चेलों को दे भी दिया। आप देखिए यीशु मसीह के सलीबी मौत के वक्त एक भी चेला उधर नहीं है, सब पछाड़े गए, सब पटके गए, सब भय के कारण छुपे हैं। समझ में आया? उससे पहले हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, शैतान डिमांड करता है यहोवा की सभा में जाकर, परमेश्वर खुद ही उसे क्वेश्चन करता है, क्या तूने, मतलब आप देखिए शैतान और परमेश्वर के बीच में इतना कन्वर्सेशन होता है, इतना बातचीत होता है। परमेश्वर उससे पूछ रहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? सी अब हमारी छोटी सोच में हम क्या कहेंगे, परमेश्वर को पूछने की क्या जरूरत उससे, ये तो विरोधी है। आपने बहुत तस्वीर देखा होगा कि एक तरफ यीशु मसीह को वो किया जाता है, दिखाया जाता है, दूसरी तरफ शैतान बैठा, दोनों सामने आमने सामने बैठकर पंजा लड़ा रहे हैं और फोटो के नीचे बोलते हैं कि आमीन लिखो, यीशु जीत रहा है। यानी कोई मुकाबला ही नहीं है शैतान के साथ परमेश्वर का। समझ में आया? यीशु मसीह अपने मुंह की तलवार से, अपने मुंह से दोधारी तलवार जो निकलती है उससे भस्म करता है। अपने मुंह से जब इस धरती पर आएगा अधिकार में राज्य में, तो क्या करेगा, अपने मुंह के अंदर से आग निकालकर उस झूठे नबी और विरोधी मसीह को भस्म करेगा। वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है शैतान के साथ, वो खुद खुदावन का क्या है, सिरजा हुआ है, इसलिए डांटता चुप। समझ में आ रहा? तो सब दुख जो है वो यहोवा की ओर से नहीं होते, सब दुख जो है वो शैतान की ओर से नहीं होते, सब दुख जो है वो अपनी गलतियों के कारण भी नहीं होते। मतलब ये तीन चीजें ही हैं जिनके कारण दुख होते हैं। आप देखिए नबुकदनेज़र जो बोलता है कि ये इमारत, ये बड़ा विशाल राज्य साम्राज्य मैंने अपने बल पर बनाया है, कैसे कहने पाए वो, परमेश्वर ने उसको जानवर जैसा बना दिया। जब तक उसके मुंह से ये नहीं निकला कि सब में परमेश्वर ही राज्य करता है। 7 काल उसके ऊपर बीते, उसके बाद उस जैसे ही उसका बुद्धि ज्यों का त्यों हुआ तो उसके मुख से क्या निकलता है, यहोवा ही प्रभु है, यहोवा ही सब कुछ करता है, यहोवा ही बनाता और यहोवा ही गिराता है। कहता है धरती पर रहने वाले लोग परमेश्वर की नजर में तुच्छ गिने जाते हैं और यहोवा अपनी ही मर्जी के अनुसार कार्य करता है। ये कब समझ में आता हमें, जब हम इन सब परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं, यहोवा सिखा देता फिर हमें। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो दुख तीन प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। उल्टी दिशा में जाओगे तो दुख आएंगे, शैतान के ओर से आपके अंदर दुख आते ताकि वो आपको दबाए। आप जानते हैं शैतान को आग में फिर क्यों डालना है, फिर यदि परमेश्वर ने ही बनाया है, यदि परमेश्वर ने ही बनाया और वो वही काम कर रहा है जो परमेश्वर ने उसको दिया है, फिर उसको अंत में शैतान को आग में क्यों डाला जाएगा? इसलिए डाला जाएगा क्योंकि वो भूसे के साथ गेहूं को भी क्या करता है, नष्ट करता है। समझ में आ रहा है? वही उसका डेस्टिनी है, वही निर्धारित उसका अंत है परमेश्वर की ओर से। तो हमारे जीवन में जब भी दुख आए, परेशानियां आए, लोग तो अपने हिसाब से जज करते हैं कि शायद इसने ये किया हो, शायद इसने वो किया हो, पहले हमने खुद ने जांचना है। मेरे जीवन के अंदर यदि दुख आया, कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, मैंने उस दुख को परखना है, क्या परमेश्वर मेरी ताड़ना कर रहा है, क्या परमेश्वर मुझे सुधारना चाहता है, क्या मैं उल्टी दिशा में चल रहा हूँ, या शैतान मुझे दबाने के लिए आया है, या मैं उल्टी दिशा में चल रहा हूँ। ये तीन ही कारण हैं जिनके द्वारा, जिनकी वजह से दुख हमारे जीवन में आते हैं। और हम सिर्फ शैतान को ही ब्लेम करते, शैतान फायदा उठा गया, शैतान ऐसा हो गया, शैतान वैसा हो गया। सब चीज़ें शैतान नहीं करता, कई चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाने के लिए भेजता है, हमारी ताड़ना करता है। कहता जिस डाली, जो डाली फल लाती है उसकी, वो उसकी क्या करता है, वो उसको छांटता है, वो छांटता ही लिखा उधर पढ़िए, वो फिर हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 15 में, हाँ पढ़िए शुरू से। सच्ची दाखलता मैं हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता किसान है। हाँ मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है हाँ, और नहीं फलती हाँ, उसे वह काट डालता है। हाँ जो डाली मुझ में नहीं फलती है
उसे काट डाल, वह उसे काट डालता है आगे, और जो फलती है उसे वह छांटता है। जो फलती है उसको फिर क्या करता है? छांटने का मतलब समझते हैं? बोलिए। हाँ, ताकि और फल लाए। छांटने का मतलब क्या होता है? उसकी ये डाली एक्स्ट्रा है, ये फल नहीं ला रही तो इसको काट दो, उसको छांटना कहते हैं। ऐसे 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 पेड़ को छोटा थोड़ा 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 करके काट रहे, काटने को छांटना कहते हैं। छांटना माने किसी चीज़ में से एक चीज़ को छांटना, उसे छांटना कहते हैं। किसी एक डाली को छोड़ देना और किसी दूसरी को काट देना, इसे छांटना कहते हैं। समझ रहे? जो डाली फल लाती है उसको छांटता है। एक शाखा के अंदर और भी कितनी सारी शाखाएं होती हैं जो फ्रूट बेयर नहीं करती हैं, उनको फिर वो काटता है उससे, उस डाली से। समझ में आया? फिर आगे। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले, ताकि और फले। उनकी कटाई करता है फिर उन डालियों की, हल्की हल्की कटाई ऐसे ऐसे, ताकि वे और फल लेकर आए। हालेलुया। जो फल लाती उनको छांटता है, और जो नहीं लाती उनको तो काट ही डालता है। समझ में आया? हाँ। तो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जिसका जीवन फल लेकर आता है, उसके जीवन में परमेश्वर उसको दुखों के द्वारा छांटता है, उसको उसकी ताड़ना करता है, उसके जीवन में सुधार लाता है, उसको राइट पाथ में लेकर आता है। समझ में आ रहा है? एक तो उल्टी दिशा में गए, यदि जीवन में तूफान आ गया आपको सीधे मार्ग पर लाने के लिए, ये भी यहोवा के द्वारा है, और हमको सही मार्ग में चलने के लिए मदद करने के लिए दुख है। अगर यहोवा ताड़ना देता है तो वो भी हमारी भलाई के लिए है, यहोवा की ओर से। अगर शैतान हम पर हावी होने के लिए, हमें दबाने के लिए यतन में है, और परमेश्वर ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया है, तो डेंजर है, तो खतरा है। हमारा विश्वास भी जा सकता है इसमें। ऐसा भी हो सकता है हमारा विश्वास रूपी नैया जो है वो डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है। पौलुस के बारे में पढ़िए, पौलुस कई लोगों को शैतान के हाथों में दे रहा है। अब प्रभु का दास तो निकालता ही है दुष्ट आत्माओं को, इधर प्रभु का दास शैतान के हाथों में भी सौंप रहा है। अगर कोई नहीं सुधरता तो, नहीं मानता तो, ये बात हमने समझनी है। वो पूरा पढ़ दीजिए इब्रानियों का, फिर हम प्रार्थना करेंगे। 12 अध्याय में 3 से 5 से। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल इसलिए, गए हो। इसलिए जो पुत्रों के समान हमें उपदेश मिला है, शिक्षा मिला है, उसको भूलना नहीं है। आगे। हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, इसको हल्की बात नहीं जानना है। आगे। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। हाँ, जब वे तुझको घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, जब घुड़के तो फिर साहस न छोड़िएगा। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसको पुत्र बना लेता है कोड़े भी लगाता है उनको। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। दुख को ताड़ना समझ कर, अब कितने हैं जो दुख को ताड़ना समझ कर सहते हैं? कितने जो है जो दुख में बड़बड़ करना शुरू कर देते हैं? ये हमने परखना। आगे। तुम्हें परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, पुत्र जानकर बर्ताव करता है परमेश्वर। आगे। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? मेरे पापा ने कभी मुझे मारा नहीं बचपन में, बट जब मैंने शरारतें की तो मार भी पड़ी। मेरे पापा सो रहे होते तो मैं इनकी मूंछ ऐसे ऐसे करता था, वो ये नींद से जागते थे तो मुंह पर एक खींच कर मारते। कभी इनके सोते हुए मुंह में भुजिया डाल दिया मैंने, तो जब भी शरारत करता था मेरी पिटाई होती थी, पर मैं मेरे पापा के पेट पर सोता था। आज भी कई बार पेट को टिक्का लगा लेता हूँ। हालेलुया। तो पिता ताड़ना करता है। ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना नहीं हुई? जो लाडला भी होगा कहीं ना कहीं उसकी ताड़ना होती ही है। इसीलिए बोलता हूँ ये इसको समझाया करें, इसकी ताड़ना भी किया करें। लाड नहीं हर टाइम करना। इसने सुबह बॉल उठा के मारा, मेरा चाय गिरा दिया इसने मेरे कपड़ों के ऊपर गरम गरम, और उसके बाद जब खाना खा रहा फिर से बॉल लेकर आ गया, तो इसकी फिर ताड़ना की मैंने। जब इसकी मम्मी खाना खा रही तब झाड़ू लेकर आ गया। तो ताड़ना भी जरूरी है, नहीं तो फिर कल को कोई आ गया घर में, आपके गेस्ट आएंगे तो फिर बच्चे उनके साथ भी ऐसा ही करेंगे, आप रोकेंगे नहीं तो फिर आप एम्बेरस होंगे, ओ मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, एम्बेरस फील होंगे। इसलिए बच्चे की परेड भी करा करें, ताड़ना भी किया करें इनकी। पढ़िए 9 आयत पढ़ रहे थे। हाँ, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। हाँ, यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब हुए हैं तो तुम्हारी ताड़ना नहीं होती तो तुम फिर पुत्र नहीं हो। बाप, अगर आपका बाप है तो फिर वो आपकी ताड़ना भी करता है। फिर पर वे विचार की संतान ठहरे। हाँ, अगर ताड़ना नहीं होती तो फिर किसकी संतान है? वे विचार की संतान है। ये हमने समझना है, माने जो आउट ऑफ ऑर्डर पैदा हुए हैं शादी के द्वारा नहीं। यदि हमारी अगर मैं किसी को डांट रहा हूँ तो गुड न्यूज है आपके लिए,
परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम करता है। यदि आपको डांट नहीं पड़ती तो पता नहीं, शायद फिर आप देखिए। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ। कल भाई बता रहे थे कि आप जो बोलते हैं हमें बहुत खुशी होती, कई बार आप हार्श हो जाते हैं, कई बार लगता है कि आप बहुत रूड बोल गए, बड़ा कठोर शब्द आपने इस्तेमाल कर लिए, बट एट लास्ट वो भलाई के लिए ही है। मैं से सड़क पर जाते हुए लोगों को रोक रोक के थोड़ी ना बोलता हूँ, है ना, आपको ही बोलता हूँ। परमेश्वर भी उन्हीं को ही बोलता है जो उसके बेटे बेटियां हैं, वो सबको नहीं बोलता, हर एक को पकड़कर उनकी ताड़ना नहीं करता। आगे पढ़िए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहें। हाँ, शारीरिक पिता भी ताड़ना करते थे, है ना, जब शारीरिक पिता जो हमारे ऊपर थे उन्होंने भी हमारी ताड़ना की और हमने सही भी है, तो फिर आत्मिक पिता जो है, आत्माओं का जो पिता है, उसकी ताड़ना क्यों नहीं सहेंगे। समझ में आया। मैंने एक बार मेरे पापा के फोन में गालियां लिख दी, वो मैंने मैसेज एग्जिट किया और वो सेव हो गई, ड्राफ्ट में सेव हो गई। अब मुझे पता नहीं वो सेव हो गई। मेरा बड़ा भाई प्रिंस ने उसको खोल कर पढ़ लिया और फिर पापा को दिखा दिया, देखो ये इसने क्या लिखा। और पापा ने एक एक ठुड्डा मारा, चल एक सीढ़ी के ऊपर, दूसरा मारा, चल एक ऊपर सीढ़ी के ऊपर, ऐसे ही पापा ने पीटा मुझे तो सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी के छत के ऊपर चला गया। शारीरिक बाप करते ताड़ना, है नी, ज्यादा मार नहीं खाई मैंने, बट जब ऐसी कोई हरकत की तो फिर मार खाई है मैंने, मारा पापा ने। समझ में आया। तो ये चीज, जब हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना करते हैं हमारा सुधार करने के लिए, तो फिर आत्मिक पिता की ताड़ना हम क्यों ना सहें। 10 वचन पढ़ लिए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। हाँ, अपनी अपनी समझ के अनुसार वे तो थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। हाँ, हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। ताकि हम भी उसके पवित्रता के क्या हो जाएं? भागी हो जाएं। परमेश्वर दुख क्यों देता है? ताकि हम उसकी पवित्रता के क्या हो जाएं? हर प्रकार की ताड़ना जो है वो आनंद की नहीं है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, ताड़ना सहते सहते जो क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, फिर उनको क्या मिलता है? धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहिए धर्म का प्रतिफल है तो ताड़ना भी सहा करो, फिर ताड़ना पर मुंह ना बनाया करो। ऐसा मत कहा करे हमें बोलता रहता है, हमें ही सुनाता रहता है, मुझे ही बोलता रहता है, हैं? आपको ही बोलता रहता है, ये बड़ा गंभीर है। क्यों आपको ही बोलता रहता है? क्योंकि आपके लिए ज्यादा चिंतित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावंद, आपकी दया, आपका अनुग्रह इस समय हम सबों पर हो खुदावंद, आपका भय हम सबों पर छाए खुदावंद। खुदावंद, आपकी इच्छा के अनुसार हमें ढलने के लिए आप कृपा दीजिए खुदावंद। खुदावंद, जो दुख परेशानियां आपने हमारे जीवन में दिए, उनसे आपने हमें सिखाया है खुदावंद। हालेलुया, मैं अपने पर्सनली, अपने निजी तौर पर कहूं तो, यदि मेरे जीवन में दुख ना होते तो मैं प्रभु परमेश्वर को कभी इस तरीके से जान ना पाता जैसे मैं अब जानता हूं। मेरा रिश्ता उसके साथ कभी भी इस प्रकार का ना जुड़ता जैसा अब जुड़ा है, यदि मेरे जीवन में दुख ना होते। हालेलुया, दाऊद प्रभु का भक्त कहता है, मैंने जो दुख सहे वह मेरे लिए भला ही हुआ। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे ही भलाई के लिए परमेश्वर करता है। तो दुख भी हो, चाहे परेशानियां भी हो, खुदावंद का कलाम कहता है सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई ही पैदा करती है। खुदावंद भलाई करता है। खुदावंद हमारे जीवन में दुख देता है तो भलाई करता है। उससे हम जान पाते हैं परमेश्वर के स्वभाव को, उससे हम जान पाते हैं परमेश्वर के साथ चलने को। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, जैसे मिट्टी कुम्हार को अपने हाथ, अपने आप को सौंप देती, वैसे ही खुदावंद हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। तू हमको बना मेरे परमेश्वर यहोवा, तू हमको चला मेरे परमेश्वर प्रभु, अपनी इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार बना खुदावंद। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, संगति के लिए मेरे परमेश्वर यहोवा। खुदावंद, एक एक जन, एक एक भाई, एक एक बहन, बच्चों को अपने हाथों में लीजिए खुदावंद, इस छोटे झुंड को खुदावंद, और खुदावंद जो मेरे अजीज भाई बहन खुदावंद
ऑनलाइन जुड़े हैं साथ में, जो बाद में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, खुदावंद आप उनको ब्लेस करें, खुदावंद सबको आशीष दें। मेरे परमेश्वर यहोवा, अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप कृपा दीजिए प्रभु, ब्लेस करें खुदावंद, रूह से भरे और बेदार करें मेरे परमेश्वर यहोवा। आज के दिन के लिए, संगति के लिए खुदावंद हम धन्यवादी हैं प्रभु, जो हमने भजन गाए, गीत गाए, आपकी उस्तत की खुदावंद, आपकी महिमा की खुदावंद, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें ग्रहण किया मेरे परमेश्वर यहोवा, कलाम के द्वारा आपने हमसे बातें की मेरे परमेश्वर यहोवा, अबा पिता और प्रभु भोज का के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपके साथ मेज पर बैठने के लिए आपने हमें खुदावंद ये अनुमति दी प्रभु, ये सौभाग्य दिया खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं, सब बातों के लिए आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ यूं ही बनी रहे, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दें।